के 200 रुपए की जो है मेरे रेड वाइन है, यहाँ रेड वाइन 200 रुपए की। और ये भाई साहब है जो हमें कट करके देख रहे हैं, कितने कितने बड़े जो है वो कॉफ़ी के दाने आप देख सकते हैं। हम जो है सामने वो आपको उसी टाइम जो है वो इसको वो पीस के कॉफ़ी को पाउडर करके दे देंगे। और ये है जी 4000 रुपए किलो जाने की। तो हेलो गाइज, कैसे हैं सब? तो जी आज हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए यहाँ आर्मेनिया में, और आपको बताएँगे कि क्या प्राइजेज हैं यहाँ ग्रोसरी के इंडिया के मुकाबले में, और आपको अपने साथ मार्केट दिखाते हैं और दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस है यहाँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मौसम जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया, आप देख सकते हैं बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे पास में ही ग्रीन मार्केट, वहाँ से ग्रोसरी लेने। तो बस पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं लगभग, तो आपको भी दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो जी, तो हम पहुंच गए हैं जी यहाँ पे, ये है जी टी सरीन मार्केट, और यहाँ से हम करने वाले हैं ग्रोसरी की शॉपिंग। तो चलिए आपको भी अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या प्राइजेज हैं यहाँ पे ग्रोसरी के। तो ये है जी यहाँ पे फ्रूट सेक्शन, और ये केले का रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 650 रुपये दर्जन, और 335 रुपये सेब हरे वाले, और रेड वाले 285। ये सब दिरहम्स में रेट लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, और इसको आप कन्वर्ट कर लें इंडिया रुपीज़ में तो आप इसका रेट निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ से आटा, आटे की थैली, और इंडिया के मुकाबले में आपको इसका रेट दिखा दूँ मैं, 2070 दिरहम्स, यानी कि इंडिया के मुकाबले ये है लगभग 400 रुपए की थैली है, जो कि 10 किलो की है, जो कि इंडिया के मुकाबले में इसका डबल रेट है। तो सेकंड हमने ली है जी यहाँ से मैगी, जो कि अपने इंडिया में 10 रुपए का पैकेट आता है, लेकिन यहाँ पे हमें 20 रुपए के हिसाब से मिला। तो ये सारा सामान आप देख सकते हैं खुला पड़ा हुआ, यहाँ पे मैक्रोनी है, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, और इस हर तरह की दाल यहाँ पे मिल जाएगी, राजमा, मकई, और यहाँ पे इनके सबके जो है वो प्राइजेज लिखे हुए हैं। अब थर्ड जो आइटम है हमें लेनी है जी शुगर, और शुगर का जो रेट है यहाँ पे है 360 रुपये किलो दिरहम्स। और ये शुगर अलग तरह की है, बारीक शुगर है जैसे पाउडर कहते हैं। तो चलिए, और ये है जी यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेक्शन, और ड्राई फ्रूट का आपको मैं प्राइजेस बता दूँ क्या है। ये है बादाम, और इसका प्राइस है 4280 दिरहम, यानी कि इंडिया के मुकाबले 1000 रुपये किलो। और जो अखरोट है, अखरोट का प्राइस लगभग 800 रुपये किलो इंडिया के हिसाब से। और ये है जी मूँगफली, और ये है जी लगभग 300 रुपये किलो, या 300 रुपये। और भी कई तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, और प्राइजेज लिखे हुए हैं। तो अब हम ले रहे हैं ये शुगर, और ये मैडम है जो ये हमको शुगर दे रही है यहाँ से, और शुगर का प्राइस जो है वो लगभग इंडिया के मुकाबले ही है। 3 किलो शुगर जो आई है वो है लगभग 150 रुपये, नहीं 200 रुपये। और ये है जी मार्केट का व्यू, आप देख सकते हैं हर तरह का सेक्शन है। ये सामने मसालों वाला, पास्ता वगैरह, और ये है जी मसालों वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको हर तरह का मसाला मिल जाएगा, गरम मसाला, काली मिर्च, और हल्दी, और ये कई तरह के मसाले हैं यहाँ पे रखे हुए इन्होंने, टोटल ही मसाले हैं ये देख सकते हैं आप, कईयों को तो नाम भी नहीं पता मेरे को। अगली चीज़ जो ली है हमने, कहा जी यहाँ से लिया मक्खन, और मक्खन जो है जी आधा किलो का पैकेट है, और इंडिया के मुकाबले जो है 80 रुपये का जो हमें पड़ा है। और ये मैक्रोनी का पैकेट 1 kg, जो हमें पड़ा है 40 रुपये का इंडिया के हिसाब से। और एक लिए हमने वाइट चने 1 किलो, जो कि हमें पड़े हैं 200 रुपये के किलो। राइस केड़े लेने हैं, ए लेने हैं, ए लेने हैं,
ये बंदा हमारा ये राइस चेक कर रहा है, कौन से अच्छे हैं। ये दिस टू कितने टू किलोग्राम्स या। और यहाँ पे ये लैंग्वेज का जो है वो काफ़ी बैरियर है और इनको समझ नहीं आती हमारी, हमको इनके नहीं आती। और ये यहाँ बंदा हमारा जो अर्मीनिया बोलता है, ये वाला अर्मीनियन लैंग्वेज, इसको सारी आती है, गालियाँ ही आती हैं। टू किलोग्राम्स। और जब तक जो मैडम चावल जो है वो करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी यहाँ की रोटी, जैसे हमारे इंडिया में बनती है रुमाली रोटी जैसी, और ये लोग यही खाती हैं। ये थोड़ी नमक वाली होती है और ये घर पे रोटी नहीं बनाते, यही रोटी यहाँ से मार्केट से ले जाते हैं, खाते हैं और चलती रहती है। ये देखिए ये बनी हुई है, ऐसे ही मार्केट से मिल जाएगी आपको। और ब्रेड्स ये सब लोग जो है वो यही खाते हैं नाश्ते में, मीठी ये सब ब्रेड्स यही। तो हमने तो अपना आटा ले लिया, तो हम ये खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। तो ये लिए है जी हमने चावल 2 kg, और ये पड़े हैं जी हमें इंडिया के हिसाब से 200 रुपये के, 200 रुपये के 2 किलो। ये लव मेरी जान। तो ले लिए हैं जी हमने राजमा 1 किलो, जो कि इंडिया के हिसाब से पड़े हैं जी हमें 300 रुपये के, 300 रुपये के 1 किलो। और ये चनों की दाल है जी, और चने की दाल जो है बहुत सस्ती है यहाँ पे, ये मिली है हमें 2 किलो लगभग 80 रुपये की। ठीक है जी हमने मसूर की दाल यहाँ से, और मसूर की मिलती है यहाँ पे, मूंगी की नहीं मिलती। और ये हमें पड़ी है जी इंडिया के हिसाब से लगभग 200 रुपये की। और इस तरफ आप देख सकते हैं इनका बेकरी का सेक्शन है, ये है बेकरी सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं चीज़ मोजरीला, और इस तरफ मुरब्बा वगैरह, और ये डीप फ्रीज वगैरह है यहाँ पे लगे हुए, मोमोज, और ये है जी मीट सेक्शन। हर तरह का मीट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बीफ का, पिग का, चिकन, हर तरह का मीट यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, और ये मछली सूखी हुई, ये देखिए किस तरह की सूखी हुई मछली ये लोग खाते हैं, ये छोटी मछली। और इस तरफ है जी मीट चिकन बीफ, ये आप देख सकते हैं बीफ है, और चिकन है, और ये कीमा, कई तरह का यहाँ पे मीट मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए सारा मीट सेक्शन है। और ये इतने बड़े बड़े लेग पीस पता नहीं किसके हैं, टर्की शायद, टर्की के होंगे, मेरे को नहीं पता क्या ये है। चिकन लेग पीस 400 रुपये किलो, चिकन लेग पीस, यस 400 रुपये किलो, देख सकते हैं। ये पोर्ट कलेजी, पोर्ट कलेजी ये देखिए आपने अलग अलग रखी हुई है। चिकन केड़ा पीस केड़ा बना, फुल चिकन 1500। और मोटा या देखते हैं, मैंने लिया 1 kg चिकन यहाँ से, जो चिकन है ये हमको पड़ा है यहाँ से 1 किलो 300 रुपये किलो, यस 300 रुपये किलो। और ये पूरे पीस है, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अब ये हमें इसको कटिंग करके देंगे, या भाई साहब यहाँ पे ये कटिंग करके देंगे, कट करके। और ये भाई साहब है जो हमें कट करके देख रहे हैं। यहाँ से कटिंग करके दे रहे हैं चिकन हम। और भाई से वो काटा नहीं जा रहा था, अब भाई ने जो है छुरी चेंज कर ली है, बंदे मारना नहीं छुरी लड़ी भाई ने।
जी यहाँ पे वाइन सेक्शन, और यहाँ पे आपको वाइन जो है वो हर जगह मिल जाएगी, शराब, वाइन, वोडका, बियर, किसी भी दुकान से, चाहे वो बेकरी की दुकान है, सब्जी की दुकान है, हर जगह आपको वाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे तरह तरह की वाइन है, और आप देख सकते हैं कि बोतलों के डिज़ाइन कितने हैं और कितने कितने बढ़िया है यहाँ पे। और सस्ती वाइन है, इंडिया के हिसाब से 200 रुपए की जो वाइन यहाँ से शुरू हो जाती है, और आप देख सकते हैं ये 1000 लड़के 200 रुपए की जो है रेड वाइन है, यहाँ रेड वाइन 200 रुपए की, आप देख सकते हैं। शराब, बियर, वोडका, वाइन किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं, और इंडिया के 200 रुपए की बॉटल जहाँ से शुरू हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये सारा वाइन सेक्शन है, तरह तरह की बॉटलें और वाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये है ये कॉफ़ी सेक्शन, और ये देखिए आप कॉफ़ी, और कॉफ़ी आप देख सकते हैं कि कितने कितने बड़े जो हैं वो कॉफ़ी के दाने आप देख सकते हैं, और ये हमने इंडिया में नहीं देखी है। और ये प्योर कॉफ़ी है, इसकी स्मेल जो खुशबू जो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और जो भी आपको पसंद आएगी, जैसे ये 600 रुपये किलो है, और जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं। और ये मैडम जो है सामने वो आपको उसी टाइम जो है वो इसको वो पीस के कॉफ़ी को पाउडर करके दे देंगे। तो गाड़ी हमारी वो भर गई है जी पूरी, और यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं मिली है हमें, पाउडर मिला, पाउडर ले लिया हमने, लाल मिर्च, गरम मसाला, सब मसाले जो हैं वो ले लिए। तो ये है जी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन, ये देख सकते हैं सूखे हुए कीवी ग्रीन, और ये पता नहीं क्या क्या ये है यहाँ पे, पिस्ता, ये पता नहीं आप देख सकते हैं, ये रोस्टेड पिस्ता, दूसरा पिस्ता, पिस्ता, ये भी पिस्ता, रोस्टेड काजू और बादाम, और ये पता नहीं कैसा ड्राई फ्रूट है, मैंने देखा नहीं। मूँगफली, काफ़ी बड़े बड़े दाने हैं मूँगफली के, छुहारे, छुहारे इसको बोलते हैं पंजाबी में, छुहारे, और खजूर, ये देख सकते हैं। ये है जहाँ वेजिटेबल सेक्शन, आलू, गाजर, प्याज, और कितने बड़े बड़े प्याज हैं, और ये बंद गोभी देख सकते हैं 4-5 किलो का एक पीस होगा शायद। और ये है वेजिटेबल सेक्शन, छोटे छोटे टमाटर, मटर, बड़े बड़े टमाटर, खीरे, और ये पैकिंग वाले खीरे, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी, रेड, और ये पता नहीं क्या है, और ये है जी कैंडी सेक्शन यहाँ पे, और ये है जी 4000 रुपये किलो, यानी कि ये किलो के हिसाब से एक दो पीस नहीं मिलेंगे, आधा किलो किलो के हिसाब से मिलेगी 4000 रुपये, यानी कि 800 रुपये किलो आपको ये जो है वो केजी के हिसाब से दे देंगे तोल के, कोई भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे हमारे बिल, सामान हमने बहुत सारा ले लिया महीने का राशन, और देखते हैं ये कितने पैसे बनेंगे इसके। तो जी ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है, और जो बिल बनाया वो बनाया जी यहाँ के 12000, 14000, 15000 ही मान लीजिए, 15000 की जो है वो हमने आज जो है वो शॉपिंग की है, ग्रोसरी शॉपिंग लिफाफे भर भर के। तो जी शॉपिंग जो है वो ग्रोसरी की कंप्लीट हो गई है, और ये देखिए बंदों ने लिफाफे भर भर के पकड़े हुए हैं, और ये यहाँ के हमारे लगे हैं जी 15000 रुपये लगभग, यानी कि इंडिया के 3000 के आसपास का जो राशन वो जो है हमने वो लिया है यहाँ से, और ठीक है इंडिया के मुकाबले ये रेट कुछ चलो सस्तियाँ पड़ी। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे जी किसी अगले ब्लॉग में।